नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़ केजी आचार और बातचीत करें पंचायती राज चुनाव करेंगे। हमारे साथ में जो संदीप कुमार हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं अगरुआ ब्लॉक के बीडीसी वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार हैं और अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो संदीप जी, गाँव की बात करें, जिस तरह वार्ड की बात करें, तो कौन कौन साथ आपके? मेरे गांव से 14 वार्ड, 1 से 14 तक समस्त वार्ड की रोड़ी गांव और 1 से 5 तक किराड़ा गांव के जी। अच्छा, किरोड़ी और किराड़ा दोनों? हाँ, किरोड़ी और किराड़ा जी। किराड़ा के 5 वार्ड है जी, 1 से 5 तक गांव की रोड़ी के साथ जुड़े हो जी। तो बीडीसी पंचायत बीडीसी मेंबर का ये चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 1 अगरुआ ब्लॉक से, तो किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? सर, मैं पिछली बार भी मान ले हर बातों से मान ले पहले लड़े चुनाव मैंने पिछली बार जी, तो एक ही मुद्दा था जी अपने, मैंने मनरेगा सबसे पहले वो अहम मुद्दा है अपना जी। मनरेगा काम जितनी बार भी चला रहे हैं आप गाँव में, सबसे बड़ा योगदान रहा जी। उसके बाद जो युवाओं के लिए कोई भी कागजी काम है जी, कोई किसी का आधार कार्ड ठीक करवाना हो, किसी का राशन कार्ड वगैरह कोई हो, किसी कोई कागजों में कोई दिक्कत आ रही हो, या जी कोई बीपीएल कार्ड के बारे में कोई समस्या हो, किसी मकान के लोन की है, तो किसी भी काम का जो कागजी काम है जी, मैं हर बार मैंने सहयोग दिया जी पूरा गाँव के लिए। यानी कि जो सरकार की योजनाएँ आती हैं उनको आपने जनता तक पहुँचाने का काम किया? हाँ जी, वीडियो ब्लॉग से कोई संबंधित बात हो या कोई इशार से अपने एडीसी ऑफिस से कोई भी योजना गांव के लिए आओ नहीं, तो सबसे पहले मैं गांव के बीच रखूँ जाएगा जी अपने। अच्छा, और भी कोई काम जो आप करवाना चाहते हैं बीडीसी? पहला चुनाव आपका ये? पिछली बार मेरी मिसिज ने लड़ा चुनाव जी। अच्छा। लेडीज की उसमें जी, और दूसरी बार जी मेरा पहला चुनाव है जी, बाकी परिवार के हिसाब से का दूसरा चुनाव अपना जी। तो जो वोटर हैं आपका निशान क्या है? पंखा निशान छत वाला पंखा ये ले लो साथ में। तो दोस्तों, कई जो चुनावी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या कर रहे हैं चुनाव प्रचार जी? पहले तो मैंने सारा पूरा परिवार हमने इकट्ठा किया जी, मैंने समाज के हित से जो नहीं अपने चौपाल के अंदर मेरा समाज इकट्ठा किया, उसमें मैंने सर्व समिति से मेरे को उन्हें चुन लिया जी। 4 उम्मीदवार आ रहे हैं मैदान में, 5 उम्मीदवार मेरे अलावा 4 और है जी, बाकी अपना कोई दिक्कत नहीं जी, पर अपना एक साइड खुला समर्थन फुल मिल रहा है, फुल समर्थन है जी, पूरा पूरे गांव की सपोर्ट है, पूरा किराड़ा गांव जी, कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ, आपकी बार जीत के निकले वो, और एक तरफा जीत है जी। तो कुछ राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, दारू वारू भी बांटी जाती है, क्या इस तरह का भी माहौल है गांव में? नहीं जी, हम तो सच्चाई के साथ लड़ाई है, एक धर्मयुद्ध जी अपनी तरफ से, देख जाओ अपने किस तरफ से कोई ना, तो कोई किसी के साथ कोई रिश्वत का ना कोई शराब का, अपना जो भी है नहीं ईमानदार के वोट है जी, अपने पूरा गांव पूरा परिवार सारा अपना एक मान के चल रहे हैं और सबका समर्थन बढ़िया मिल रहा है जी अपने, आपसी भाईचारा बना के बहुत बढ़िया भाईचारा, युवा और बुजुर्ग सारा सबका सहयोग है जी अपने, सारे छोटे बड़े अपने जो जितने सारे साथ में जी। तो दोस्तों, ये चुनावी प्रक्रिया देख रहे थे, महिलाएं भी यहाँ पे हमारे साथ में काफी चुनाव प्रचार में भाग ले रही हैं। ना दारू ना नोट से आपके गांव की तस्वीर बदलेगी, आपके एक एक वोट से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक एक वोट जरूर दें।